इतना हाई वॉल्यूम करना जरूरी है? मतलब थोड़ा वॉल्यूम नहीं कम कर सकता क्या? अरे म्यूजिक हाई नहीं रखूंगा तो अंदर कैसे सुनाई देगा? बाथरूम में नहाऊंगा कैसे मैं? तू नहीं सुधरेगा। माँ बहुत भूख लग रही है, कुछ दे दो ना। हाँ दे दिया, बैठ। क्या हुआ माँ, कुछ कहना है आपको? ये ले, एक बार देख ले। ठीक है, एक बार देख तो ले। माँ ये कौन है? वो सब छोड़, ये बता कैसी लगी है तुझे? कैसी लगी मतलब? ठीक है। मैं चाहती हूँ कि तू इससे शादी कर ले। माँ मैं इससे शादी नहीं कर सकता। क्यों, किसी और से प्यार करता है? कौन है वो? ऐसा कुछ नहीं है। अबे वो मुझसे छिपा रहा है। अच्छे से जानता हूँ मैं तुझे, इसलिए मुझसे कुछ मत छिपाना। अब इज्जत से बता दे कौन है वो। माँ अब मेरी शादी की बात छिड़ी चुकी है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। माँ वैसे भी मैं आपको कुछ दिनों में बताने ही वाला था। वो एक्चुअली एक लड़की है। माँ मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। इनफैक्ट हमने 2 दिन पहले शादी भी कर ली। क्या साले, तू तो बड़ा चुपरस्तम निकला, हमें बिना बताए शादी भी कर ली। माँ मुझे पता है आपको सुनकर ये बहुत गुस्सा आ रहा होगा और इस बात पर गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ भी है, लेकिन माँ सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मुझे शादी करनी पड़ी। उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और वो उसकी फोर्सफुली शादी कराना चाहते थे, मैं और क्या करता। माँ आप उसे एक बार मिलना चाहोगी प्लीज? आई एम एक्साइटेड। पर कौन है वो और नाम क्या उसका? यार वरुण, उसका नाम रिद्धि है। वरुण क्या हुआ? नहीं बाप कुछ नहीं। तुम दोनों कहाँ मिले? हम दोनों मेरे एक फ्रेंड के फैमिली फंक्शन में मिले थे। वो उसी की कजन सिस्टर है। ओ माँ रिद्धि एक बहुत अच्छी लड़की है, आप उसे एक बार मिल तो लो प्लीज़। माँ अगर आप कहो तो मैं उसे घर पे बुलवा लूँ। तो एक काम कर, तू घर लेके आ उसे। तू माँ की चिंता मत कर, मैं इसे समझा लूँगा, तू बस भाभी को घर बुला ले, ठीक है?